तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? सो तो कल हम हिमानी चुमुंडा का ट्रैक करके आए हैं ऊपर से। तो रात को हम थोड़ा रास्ता भटक गए वहाँ से 500। तो ये सर थे महेश रिफ्रेशमेंट वाले, बड़े अच्छे सर हैं। तो इन्होंने हमें वहाँ से थोड़ा रेस्क्यू किया। नीचे लेके आए तो ये बहुत अच्छे हैं सर। यहाँ पे आपको जो फैसिलिटी मिलती है ना, ये मेरे से ज़्यादा आपको यही बता सकते हैं। तो आप इनसे बात कीजिए। तो सर बताइए अपने कुछ इस रिफ्रेशमेंट पॉइंट के बारे में। नमस्कार सर। सर ये रिफ्रेशमेंट पॉइंट मैंने अभी हाल ही 2 साल पहले स्टार्ट करा था। तो यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ बंदों को फैसिलिटी मिले, टेंट, स्लीपिंग बैग, मैट्रेस, रहने की सुविधा, खाना अपना घर की तरह सर्व करने की कोशिश करता हूँ। उसके अलावा कैंपिंग स्टोव। आपके पास कौन कौन से कैंपिंग स्टोव है या कौन से टेंट है वो दिखाओ पहले। अच्छे किस क्वालिटी के है ना वो दिखाओ, लोग अच्छी क्वालिटी मांगते हैं जी। केचुआ के स्लीपिंग बैग है मेरे पास। ये देखिए इनके पास केचुआ के स्लीपिंग बैग है जो 20 डिग्री तक के हैं। ये देखिए सारे, ये 10 डिग्री तक का है टेंट है। ये केचुआ का टेंट है इनके पास। ये 2% है 4%, ये 3% है, 2% है, 4% है। इसमें आराम से 4% तो हो ही सकते हैं, 4 लोग आराम से सो सकते हैं 3 में भी। और इससे भी अच्छे माइनस डिग्री वाले, माइनस डिग्री का है। इसके अलावा और भी स्टोर में सामान पड़ा हुआ है, बहुत कुछ है इनके पास। तो और इनके पास ये स्टॉप दिखाना है जो आप कैंपिंग के लिए देते हो, रास्ते में कुछ खाने पीने के लिए बनाने के लिए ये भी देते हैं, ये रेंट पे देते हैं। और कुछ ज्यादा रेंट भी नहीं होगा ना इनका जी, हल्का ये एक रीजनेबल रेट है। हर चीज का कोशिश कर रहा हूँ एक फैसिलिटी मिले और रीजनेबल रेट पे मिले, ताकि बंदों को आने जाने वालों को सुविधाएं मिल सके। बारिश का मौसम होता है उसमें, ये देखिए इसमें ये आग वगैरह जलती नहीं है, आग बारिश में आग नहीं जलती है। तो ये प्रोपेन गैस है ना जी, और ये आपको सिलेंडर भी साथ में प्रोवाइड करवाएंगे। ये देखो बड़ा अच्छा है। और सर इसके अलावा कौन सी फैसिलिटी है आपके पास? इसके अलावा स्टे वगैरह करना है तो उसके लिए रूम वगैरह का बंदोबस्त कर देते हैं। और एक मतलब गद्दा, स्लीपिंग बैग, जो भी बंदा लेना चाहे मौसम के हिसाब से, कंबल सुविधा मिल जाएगी आपको। वैसे यहाँ बाकी रिफ्रेशमेंट आपको जो खाना चाहोगे अपना ब्रेकफास्ट में, और बिल्कुल घर जैसा खाना है यहाँ पर। हमने रात को यहीं पे खाया, एक्सपीरियंस लिया, बहुत जबरदस्त खाना था बिल्कुल। और खाना तो स्वाद है ही, और जो खिलाने का तरीका वो भी बिल्कुल घर जैसा है। आपको लगेगा ही नहीं कि भाई आप किसी होटल या किसी रिफ्रेशमेंट पॉइंट पर खाना खा रहे हो, ऐसा लगेगा जैसे घर में खाना खा रहे हो। तो अगर कोई आना चाहता है तो इनके नंबर यहाँ पे भी हैं, और ये आपके वैसे भी स्क्रीन पे हम नंबर दे देंगे, तो आप देख के इनसे फोन पे बात करके पहले कांटेक्ट करके यहाँ पे आ जाना। बहुत बढ़िया प्लेस है, अगर आप यहाँ 2-3 दिन स्पेंड करना चाह रहे हो तो बहुत जबरदस्त जगह। फैमिली के साथ आओ, फ्रेंड्स के साथ आओ, तो अच्छी जगह ये है। और ये आपको अच्छी तरह गाइड करेंगे, और अच्छे ये रेस्क्यू भी करते हैं अगर कोई गुम हो जाए जैसे हम हो गए। हमें कल इन्होंने रेस्क्यू किया, हम गलत दिशा में जा रहे तो ये रेस्क्यू करके लेके आए हमें वहाँ से। हमने इनको फोन किया कि हम थोड़ा दिशा भटक गए हैं, तो ये ऊपर तक आए हमें लेने। बड़े अच्छे पर्सन है, आप आइए यहाँ इनसे मिलिए, तो ये आपकी भी होप हेल्प करेंगे ही। शो तो करनी पड़ेगी क्योंकि अतिथि देवो भवा, और पहला हमारा धर्म भी है, इंसानियत सबसे पहले और ऊपर है। तो यहाँ आने जाने वाले का जरूरी नहीं, मतलब आप लोग, कोई भी बंदा आए, उसका हमारा पहला फर्ज बनता है कि बंदों को सही रास्ता दिखाएं और अपनी तरफ से पूरी हेल्प की जाए। सर ये जो प्लेस है ये कौन सी प्लेस है, और यहाँ अगर कोई बंदा आना चाहे ये वीडियो देख के तो कैसे आएगा यहाँ? जी यहाँ इस विलेज का नाम है कंड, उपनाम विलेज का है लाथून। अच्छा। लाथून विलेज। तो यहाँ आने के लिए कांगड़ा, नगरोटा, मला, चामुंडा मंदिर की बात कर रहे हो ना? जी चामुंडा मंदिर, उससे आगे 1 किलोमीटर होटल हिमानी पड़ता है, उससे स्टेट लिंक रोड ऊपर आता है। अच्छा। लिंक रोड से ऊपर आ जाइए,
हार्डली आपको 4 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर ऊपर आके हमारा शॉप मिलेगा और यहीं से ही रास्ता ऊपर के लिए जाता है। अगर इन केस कोई बंदा चामुंडा मंदिर तक आता है तो आप वहां से पिक कर लोगे? जी पिक कर लूंगा, गाइड भेज दूंगा, गाड़ी भेज दूंगा, कोशिश करेंगे उसको बिल्कुल सही रास्ते पे और बंदों को सही रास्ता दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप आते हैं यहाँ चामुंडा मंदिर नीचे की तरफ है वो, ये इनका रिफ्रेशमेंट पॉइंट जो है वो ऊपर है, तो अगर आप वहाँ आकर भी इन्हें फोन करेंगे ये देखो इस नंबर पर, तो ये सर आपको वहाँ से पिक कर लेंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको जी। और एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ कि ये जो चामुंडा मंदिर से माता मंदिर से लेके यहीं तक रोड है, यहाँ पे ही लास्ट पॉइंट है जहाँ पे गाड़ियाँ आ सकती हैं हमारी। अच्छा अच्छा, टू व्हीलर फोर व्हीलर आराम से आ जाता है, रोड की कंडीशन भी अभी ठीक है, पार्किंग की सुविधाएं हैं यहाँ पे और स्टे की सुविधा तो है ही, पार्किंग वगैरह आप गाड़ी कर सकते हैं और ऊपर जाने के लिए यहीं से रास्ता जाता है, पैदल यहीं से शुरू होता है। ठीक है चलो ओके सर जी, धन्यवाद। ठीक है सर, मिलते हैं फिर, अभी तो हम जा रहे हैं, धन्यवाद, फिर आके मिलते हैं, ओके बाय।